ये बहुत ही खुशी की बात है कि तकरीबन 3 साल बाद फिर एक बार मिनकॉन का आयोजन नागपुर में किया गया है और मैं ऐसा मानता हूं कि ये बहुत ही अच्छी पहल हमारे सभी आयोजकों ने मिलकर की है, विशेष रूप से वेद होगा, MEDC होंगे या हमारे सरकार के डिपार्टमेंट्स होंगे, इन्होंने मिलकर मिनकॉन के माध्यम से ये प्रयास किया है कि माइनिंग इंडस्ट्री की जो अपॉर्चुनिटीज है उनको शोकेस किया जाए, माइनिंग इंडस्ट्री में जो नई टेक्नोलॉजीज आई है उनको भी सबके सम्मुख प्रस्तुत किया जाए और जो चैलेंजेस इंडस्ट्री फेस कर रही है सरकार के साथ एक इंटरफेस के रूप में काम करते हुए मिनकॉन के माध्यम से उसको भी एड्रेस किया जाए, ऐसे मल्टीपल हेतु मन में रखकर इसका आयोजन किया गया। मैं अभी मैंने एग्जीबिशन भी देखी और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज एग्जीबिशन में देखने को मिली। जैसा कि ब्राउचर में हमने कहा था कि इंडस्ट्री 4.0 इसका उपयोग हम माइनिंग सेक्टर में कैसे कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस प्रकार से हम लोग उपयोग कर सकते हैं, ड्रोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलाकर जो कॉम्बिनेशन तैयार होता है उसका उपयोग हम कैसा कर सकते हैं, ये सारी चीजों के टेक्नोलॉजीज के टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स यहां पर एकत्रित आए हैं और साथ साथ टेक्नोलॉजी लाने का एक और कारण ये भी है कि हमें माइनिंग विथ सस्टेनेबिलिटी इस मोटो को आगे ले जाना है। हमने पूर्व में भी देखा कि जिन जिन सभ्यताओं ने इररिस्पॉन्सिबली धरती को भूगर्भ को एक्सप्लॉइट किया, शोषित किया, शोषण किया, वो सभ्यताएं समाप्त हो गई और इसलिए हमेशा द्वंद्व चलता है कि माइनिंग हो न हो, हो तो कैसी हो। किंतु मैं ऐसा मानता हूं कि आज टेक्नोलॉजी ने हमें इस कगार पर लाकर खड़ा किया है कि माइनिंग के दुष्परिणामों को कम करते हुए हम लोग उसके माध्यम से वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर सकते हैं और अब धीरे धीरे माइनिंग में भी सर्कुलर इकोनॉमी ये प्रस्तापित करने का प्रयास चल रहा है। कई देशों ने उसको किया है, ये बात तो सही है कि इसमें से बहुत सी चीजें इररिप्लेसेबल है, बावजूद उसके उसका कोई ना कोई रिप्लेसमेंट इन सम अदर फॉर्म ये भी करने का आज बहुत बड़ा प्रयास वैश्विक रूप से हो रहा है।